दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बन सकते हो और लाखों में सैलरी कैसे पा सकते हो। हाउ टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो उस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, शॉर्ट में मैं बता दूँगा जो कि एक बेसिक है और जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। आपके पास कोई प्रीवियस सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके पहले भी दोस्तों, आप लोगों को लाइक 90% केसेस में डेवऑप्स के लिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वो चाहे आपने बीसीए करा हो चाहे बीटेक करा हो, 90% केसेस में वो मैंडेटरी होता है डेवऑप्स के लिए। तो दोस्त, ये हो गए आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर की फील्ड में। वो चाहे आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मतलब कि एक डेवलपिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस करंट सिनेरियो में आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए वन और मोर। यहाँ पे मोर में क्या मतलब है, जैसे कि आपको AWS अमेजन वेब सर्विस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट Azure उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, गूगल क्लाउड उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, अलीबाबा क्लाउड उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा उसका मतलब क्या है, देखो दोस्त, अगर आपको इसमें जाना डेवऑप्स में तो किसी एक पे काफ़ी अच्छा कमांड करना पड़ेगा। अब किसी एक पे क्या, आपका अगर कमांड AWS में है, आपका कमांड Azure पे है, गूगल पे है, तो किसी एक पे एकदम अच्छे से धांसू कमांड करना पड़ेगा। एंड जो रहे अदर, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ आपने माइक्रोसॉफ्ट का Azure क्लाउड कर लिया, इसके बाद में AWS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अलीबाबा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, गूगल क्लाउड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो इनकी सर्विसेज हैं वो वर्क कैसे करती हैं, वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनकी सर्विसेज जो हैं वो काम कैसे करती हैं, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी एक किसी पर्टिकुलर क्लाउड पर आपको डिम्पी अच्छा नॉलेज होना चाहिए डेवऑप्स में जाने के लिए। ये हो गई प्रोफाइल की बात। अब मैं बात करूं इसमें सैलरी की, तो दोस्त मैं बता दूं, अगर आपको डेवऑप्स अच्छे से आता है तो आपका ईयरली पैकेज 5 से 6 लाख तक का मिल जाएगा। मैं एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस बेस पर नहीं, एज अ फ्रेशर की मैं बात करूं 5 से 6 लाख। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपका पैकेज 15 लाख से नीचे नहीं होगा, ये गारंटी है। 15 लाख से नीचे पैकेज नहीं होगा। अगर 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया तो आप 12-13-10-12 के आसपास हो गए, 12 लाख पर एनम, यानी कि 1-1.5 लाख रुपए सैलरी आपकी पर मंथ आएगी इसमें, इतनी सैलरी है। बाकी अगर अपने आप को अपग्रेड करते हो और अच्छा सीखते हो तो और भी इसमें सैलरी है। अब मैं बता दूं दोस्तों, कर कौन सकता है, तो दोस्तों ये टोटली आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेस हैं ना कि आपको ईजिली समझ में नहीं आते हैं, आपको जल्दी से इन पर कमांड होता नहीं है। तो अगर आप जिस फील्ड में हो इंटरेस्टेड हो उस पर करते रहो और इसको साइड बाय साइड सीखते रहो, यानी कि जॉब छोड़ी बस डेवऑप्स में लग गए, बहुत सैलरी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, ये मैंने पर्टिकुलर डेवऑप्स पे बनाया है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो इसके बराबर की सैलरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो इससे भी ज़्यादा सैलरी है। तो कहने का मतलब ये है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है और ये डेवऑप्स में इतनी सैलरी होती है। और थोड़ा सा ये मतलब, अगर मैं बात करूँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, तो इन सब से ये थोड़ा सा ना इजी होता है, इसको आप जल्दी से लर्न कर सकते हो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो बस यार दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।